सोलन में अगर किसी का अंतिम संस्कार करना है तो आपको वहां लकड़ी आपको खुद ही ले जानी पड़ेगी, क्योंकि सोलन के चंबा घाट में स्थित स्वर्ग धाम में लकड़ी खत्म हो चुकी है और नगर परिषद के पदाधिकारियों को इस बात की खबर तक नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद की अंतिम यात्रा पर स्वर्ग धाम पहुंचे, लेकिन वहां लकड़ी न पाकर बेहद मायूस हुए। शोकाकुल परिवार का नगर परिषद सोलन की इंतजामी से दुख और बढ़ गया और लोग उन्हें ढाढ़स बधाने के बजाय सड़क से लकड़ियां ढोने पर मजबूर थे और सभी प्रशासन की अनदेखी से खफा थे और उनकी मांग थी कि नगर परिषद इस पर कड़ा संज्ञान ले। रोष प्रकट करते हुए नगर परिषद के पूर्व पार्षद मनीष कुमार ने कहा कि स्वर्ग धाम में लकड़ियों का पुख्ता इंतजाम हो, इस बारे में नगर परिषद को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहां लकड़ियों का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता रहा। लोग यहां बेहद दुखी मन से अपने परिवार के सदस्यों को खोकर यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां की बेइंतजामी उनका दुख और भी बढ़ा रही है। इसीलिए इसके जिम्मेदार ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि किसी और दुखी को इस तरह की मुसीबत न झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि स्वर्ग धाम में लकड़ियों का उचित प्रबंध हो, इस बारे में भी नगर परिषद को संवेदनशील होना पड़ेगा। बहुत ही दुख का विषय है, हमारे सोलन शहर में एकमात्र शमशान घाट चंबा घाट है, जिसमें आजकल लकड़ियों का इतना अकाल है कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिल्कुल गिल्ली लकड़ियाँ पड़ी है और यहाँ पर बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। आज हमारे पड़ोस में किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया, जिनके नागे वारिस है कोई ना कोई भी नहीं है। हम सारे कॉलोनी वासी उनके देह को यहाँ लेकर आए हैं, तो यहाँ देखा जा रहा है यहाँ लकड़ी तक नहीं है। हमारे को खुद अपने कंधे पर ऊपर चंबा घाट सड़क से उठाकर लानी पड़ रही है और यहाँ पर जो इनका शेड है यहाँ पर लकड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे सोलन शहर के लिए हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगा नगर परिषद सोलन से और जो वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि है और माननीय विधायक सोलन से कि आप लोग जनता के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पर जो है आज लोगों को परेशानी ये हो रही है कि जिनके घर पे मृत्यु हुई उनको खुद कंधे पर लकड़ी ढूंढनी पड़ रही है, जो एक सोलन के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म का विषय है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर कम से कम एकमात्र शमशान घाट में आप लोग यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था करें। यहाँ पर इतनी गिल्ली लकड़ी है, छोटी छोटी लकड़ी है, जिसका वेट अगर तोला जाए तो वो कम से कम 3 क्विंटल की बजाय 7 क्विंटल हो रही है, जिसका पैसा भी यहाँ पर गरीब आदमी नहीं दे पाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है और आज हम ये रोष भी प्रकट कर रहे हैं नगर परिषद सोलन के प्रति। हमारे खुद के घर से चुने हुए पार्षद है, आज हम उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप लोगों को चुनकर भेजा गया, इसलिए नहीं भेजा गया कि आप लोग अपना वहां पर कोई अदर काम करें, यहाँ पर लोगों के उसके लिए आपको चुनकर भेजा गया। सभी पार्षदों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप यहाँ पर कल आएं, विजिट करें और यहाँ देखें कि यहाँ पर चंबा घाट में आपके लकड़ी नहीं है। और जिस भी यहाँ पर ठेकेदार को ये लकड़ी का टेंडर दिया गया, मेरा आग्रह नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों से रहेगा, उसका टेंडर कैंसिल करके उसकी पेमेंट स्टॉप की जाए, कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही है, अपने कंधों पर लकड़ी उठाकर लानी पड़ रही है, जो एक शर्म का विषय हमारी सोलन नगर परिषद के लिए, सोलन शहर के लिए। माननीय विधायक से भी हम आग्रह करेंगे कि आप सोलन शहर का विजिट यहाँ चंबा घाट शमशान घाट का करें, कि यहाँ पर देखें लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मेरा विनम्र आग्रह रहेगा सभी से कि यहाँ पर बहुत ही शर्म का विषय हमारे लिए है कि कम से कम ऐसी स्थिति किसी गरीब आदमी आम लोगों के साथ ना हो और आगे भविष्य में इस चीज का ध्यान रखा जाए कि लकड़ी उपलब्ध यहाँ पर चंबा घाट में हो।